licença do Estado no momento de entrada. Meu nome é Linda Cunha, né? Eu me grime, chefe de minha casa, de ninguém se eu. Do caso, você grime para lá, não tem que ficar, né? आज हम जिस मुद्दे को लेकर के इकट्ठा हुए हैं इसमें हमारे बहुत से सामाजिक साथियों को मैं लंबे समय से संघर्ष करते हुए और इस पर काम करते हुए देखते हुए आ रहे हैं साथी नीमा और ऐसे तमाम साथी। पर इसमें अगर हम आज की बात करें दशा की तो दशा से तो शायद हम सभी साथी जानकारी रखते ही हैं और समझ भी रखते हैं कि आज की जो दशा है या ऐसी दशा थी कि हमको इसके इस मुद्दे पर काम करने की जरूरत लगी। पर इस दशा से हमें दिशा की ओर कैसे जाना है वो सवाल पे हम ज्यादा से ज्यादा बात करें और इसका प्रचार और प्रसार कैसे हो इसमें जो लड़ाई करने वाले लोग हैं जिनकी लड़ाई उनकी अगुवाई वाली बात जो हम हमेशा से मानते भी हैं और करते भी हैं और साथियों को जोड़े भी हैं। पर अभी एक और सवाल है कि इसमें कुछ ऐसी सोसाइटी जिसको हम अपने आप में सिविल सोसाइटी का नाम लेके कहते हैं वो लोगों का जो एक रोल होना चाहिए वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा गैप आ रहा है। जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनको भी हमारी जरूरत है। अगर हम एक दिन या दस दिन इस काम को कर दें तो दिल्ली जैसे शहरों का क्या हाल हो जाए वो हम लोगों से ज्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा। तो आज का ये जो सेमिनार करने का उद्देश्य था जहां तक मुझे लग रहा है जो लोगों की भागीदारी देख के कि ये मुद्दे को जितना गंभीरता से जितनी पास से नजदीकी से हम लोग देख रहे हैं एक सिविल सोसाइटी के लोग भी देखें और वो इसको समझे और ये मुद्दे अब उन तक कैसे जाए उसकी प्रक्रिया और उसकी आगे की रणनीति के ऊपर हमें जरूर बातचीत करनी चाहिए मिलकर के इसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए कैसे लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए उसका प्रयास होना चाहिए। और जो दिल्ली न्याय मंच है मैं चाहूंगी कि दिल्ली की जितनी ऐसी पुनर्वास बस्तियां ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं उनमें हम ऐसा छोटी छोटी मीटिंग सेमिनार जन सुनवाइयां करके जरूर लोगों तक जाए उनके पास।